साथियों, जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे, वैसे ही एमएलए आगे भी होंगे। जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी, वैसे ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी। जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके सीएम होंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा, शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। तो मैं नहीं मानता कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी।